चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो आप में से बहुत लोग चैट विंडो में टाइप कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल पेज, ऑफ एन एचटीएमएल पेज। जो आप एचटीएमएल पेज बनाते हैं उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, अब मैं आपको एचटीएमएल पेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बताऊं, उससे पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, या चलिए सी से शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम? आई होप सी तो सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। आप बताइए नॉर्मली सी की शुरुआत आप किससे करते हैं? नॉर्मली सी की शुरुआत आप याद कीजिए, आप हेडर फाइल डिक्लेरेशन के साथ करते हैं, राइट? उसके बाद आप अपने खुद के फंक्शन की प्रोटोटाइप्स लिखते हैं, अगर आपने अपना कोई फंक्शन सी में डिजाइन कराओ। उसके बाद रिकॉल कीजिए, आप मेन फंक्शन को लिखते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी होती है, और फिर आप लिखते हैं डेफिनेशन या बॉडी ऑफ अदर फंक्शंस। ओके, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जब आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं। ऐसे मुझे बताइए, अगर यही सवाल मैं आपसे पाइथन में पूछूं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन कोड, ऑफ अ पाइथन कोड, तो आपका जवाब क्या होगा? पाइथन में जब आप नॉर्मली कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, वी नॉर्मली इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स, राइट? ये आपके प्रोग्राम का जनरली पहला स्टेटमेंट होता है, जो भी मॉड्यूल आपको यूज करने हैं। उसके बाद आप रिकॉल करिए, आप अपने फंक्शंस डिफाइन करते हैं, राइट? क्लासेस डिफाइन करते हैं, और उसके बाद आप मेन स्क्रिप्ट लिखते हैं। मेन स्क्रिप्ट से मेरा मतलब मेन फंक्शन नहीं है, मेन स्क्रिप्ट से मेरा मतलब वो कोड जो इस पूरे को यूज करेगा, करेक्ट? ऐसे आप जनरली पाइथन में कोडिंग करते हैं। ऐसे ही जब आप एचटीएमएल में कोड लिखते हैं तो आपके कोड को एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। क्या स्ट्रक्चर होता है वो गौर से देखिए। सबसे पहले आप अपने वेब पेज में मेंशन करते हैं पहला टैग, एंड दैट टैग इज कॉल्ड एज एचटीएमएल टैग, ठीक? और जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर की शुरुआत में कहा था, एचटीएमएल में मैक्सिमम टैग्स ऐसे होंगे जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। और आई थिंक आप सबने सी पढ़ी है तो ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे ये मेन का ओपनिंग है जो बताता है मेन यहाँ से शुरू हुआ, जो बताता है मेन यहाँ खत्म हुआ। पाइथन में कैसे पता चलता है फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ? पाइथन में आप इसको पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। बिल्कुल ऐसे एचटीएमएल के अंदर इंडेंटेशन नहीं होता, एचटीएमएल के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग को इंडिकेट करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। हालांकि मैं बता दूं, हर टैग का क्लोजिंग हो जरूरी नहीं है, कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जिनका क्लोजिंग नहीं होगा, बट नॉर्मली वो टैग का ओपनिंग क्लोजिंग जरूर होगा जिस टैग की बॉडी होगी, टैग की बॉडी होगी। जैसे आप बोल्ड के पास आइए, अभी जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे 10 मिनट पहले, ये जो बोल्ड आप देख रहे हैं, ये बोल्ड में जो एससी आपने लिखा हुआ है ये स्टैक की बॉडी हो गई, ये जो आप बी देख रहे हैं ये इसका ओपनिंग हो गया, ये जो आप फॉरवर्ड स्लैश बी देख रहे हैं ये इसका क्लोजिंग हो गया। और आपको इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो ये काम आपके लिए ऑलरेडी कर देगा। आप बी का ओपनिंग लिखेंगे वो क्लोजिंग अपने आप दे देगा, एचटीएमएल का ओपनिंग लिखेंगे क्लोजिंग अपने आप दे देगा। बट डू रिमेम्बर, जैसे सी में ब्रेसेस हैं, जैसे पाइथन में इंडेंटेशन है, ऐसे एचटीएमएल के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। तो पहला टैग जो आप मेंशन करेंगे वो मेंशन होगा विद एचटीएमएल। ध्यान देना, एचटीएमएल के अंदर आकर आप दूसरा टैग मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेड। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टैग होता है जो एचटीएमएल के अंदर आप लिखते हैं, विच इज चाइल्ड टैग ऑफ एचटीएमएल। बिल्कुल सही संयम, जैसे एचआर का क्लोजिंग नहीं होता, एचआर स्टैंड्स फॉर वेरी गुड हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक? देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट टैग विच इज कॉल्ड एज बॉडी, और इसके बाद बॉडी की आप करते हैं क्लोजिंग। नाउ बहुत अच्छे से समझिए क्या लिखा जाता है हेड में, प्लीज ध्यान दीजिएगा, और क्या लिखा जाता है बॉडी में। अगर मैं आपसे पूछूं हेड में क्या लिखते हैं अपन, व्हाट कंटेंट वी राइट इनसाइड हेड, तो आप मुझे बोलेंगे सर हम हेड के अंदर वो कंटेंट लिखते हैं जो हमें यूजर को शो नहीं करना है, जो हमें यूजर को शो नहीं करना है।
तो फिर सवाल आएगा फिर किसको शो करना है, वो शो करना है हमें सर्च इंजन्स को, अपने वेब पेज के बारे में सर्च इंजन्स को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो इंफॉर्मेशन हम रखते हैं हेड के अंदर। बस एक इंफॉर्मेशन हेड में ऐसी है जो यूजर को दिखती है और वो है टाइटल। टाइटल के अलावा जो भी हेड में डाला जाता है वो एंड यूजर के लिए नहीं होता, वो कोड या वो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन्स के लिए लिखी जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे वी पुट दैट इंफॉर्मेशन विच इज मेंट फॉर सर्च इंजन्स, राइट, एंड नॉट फॉर यूजर्स। यहां आप वो लिखते हैं जो आपको अपने यूजर को शो नहीं करना, जो आपको नॉर्मली शो करना है टू अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन को दिखाने वाले कंटेंट्स यहां लिखे जाएंगे, यूजर वाली चीजें यहां पर नहीं आएंगी। फाइन, सो लेट मी कलर इट आउट, दिस इज वन थिंग। सेकेंड पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो आता है बॉडी। अभी मैं आपको हेड का एग्जाम्पल देता हूं, 2 मिनट रुक जाइएगा। बॉडी के अंदर हम लोग वो लिखते हैं जो हमें यूजर को शो करना है, कंटेंट टू बी शोन टू द यूजर। जो आपको अपने यूजर को दिखाना है वो आप बॉडी में लिखेंगे, जो आपको अपने यूजर को नहीं दिखाना है वो चीजें आप लिखेंगे अपने हेड टैग के अंदर। ओके, क्लियर हुआ, राइट? बिल्कुल सही। जैसे हेड टैग के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी। हेड टैग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, जब आप एक्चुअल में साइट होस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा, और वो टैग होता है मेटा टैग, राइट? मेटा टैग की मदद से आप वो इंफॉर्मेशन देते हैं अपने पेज के बारे में जो गूगल जैसे सर्च इंजन यूज करते हैं। जैसे मैं अभी जो आपसे गूगल का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा था उसी पे वापस लौटता हूं, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने करा। अब मुझे बताइए, जब आप यहां जैंगो लिखेंगे तो गूगल यहां पर आपको उन वेबसाइट्स के नाम दिखाएगा ना जो जैंगो से रिलेटेड है, मानते हैं? आपने कभी देखा उन वेबसाइट्स के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है? कभी आपने ऑब्जर्व करा, हर वेबसाइट के नीचे 2 लाइनों का कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है। ये डिस्क्रिप्शन आपको क्या लगता है, गूगल ने खुद जनरेट करा है? ये डिस्क्रिप्शन गूगल ने दिया है? नहीं, ये डिस्क्रिप्शन आता है उस वेबसाइट के मेटा टैग से। ठीक है, देखिए आप इसका भी प्रैक्टिकल, राइट? अपन मान लीजिए गूगल पे आते हैं एंड लेट सर्च अबाउट HTML ट्यूटोरियल्स। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल्स अपन सर्च करते हैं, तो नोटिस करिए HTML ट्यूटोरियल्स के लिए हमको W3 स्कूल का ये पर्टिकुलर पेज मिल रहा है। आप नोटिस करिएगा W3 स्कूल के पेज के बारे में ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब बिल्डिंग ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? नाउ लेट सर्च, ये टेक्स्ट गूगल लाया कहां से, ये टेक्स्ट मिला कहां से? तो किसी भी वेबसाइट पे जाइए, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाइए, तो आपको इसके बैकग्राउंड की HTML कोडिंग दिख, आप देख सकते हैं कि ये बटन, ये बोल्ड में HTML ट्यूटोरियल ये कैसे बनाए। तो आप व्यू पेज सोर्स में जाइए, और अगर व्यू पेज सोर्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए यहां पर आपको कहीं दिख रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड वाला स्टेटमेंट कहीं नजर आ रहा है? ये रहा, देखिए ये वो पूरा टेक्स्ट है जो गूगल ने आपके वेब पेज के मेटा पार्ट से उठाया, नोटिस करिए मेटा टैग से उठाया और अपने आउटपुट पे डिस्प्ले कर दिया। ये एंड यूजर को नहीं दिखता है, बट ये गूगल को दिखा और गूगल ने इसे सर्च रिजल्ट के तौर पे शो कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप मेटा के अंदर लिखेंगे जो सर्च इंजन के काम आता है। और वैसे भी आप सोचिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेटा का मतलब क्या होता है? इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग व्हाट डज द वर्ड मेटा स्टैंड्स फॉर? मेटा स्टैंड्स फॉर डेटा अबाउट डेटा। ये मेटा का प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मतलब होता है। मेटा मींस टेलिंग समथिंग अबाउट डेटा, डेटा के बारे में कुछ बताना। तो यहाँ डेटा कौन है? यहाँ डेटा हमारी वेबसाइट है, इसके बारे में कुछ डेटा रखने का काम करता है हमारा टैग विच इज कॉल्ड एज मेटा टैग। सॉर्टेड, क्लियर हुआ? इसको और डिटेल में जब आप हेड टैग की कहानी सुनेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं हेड टैग में वो क्या चीजें होती हैं जो एंड यूजर के लिए नहीं होती हैं। ऐसे ही आप मुझे बताइए, ये जो मैं SEA वाला एग्जांपल आपको दे रहा था, ये SEA या ये जो B है ये बॉडी टैग में जाएगा? ये बॉडी टैग में जाना चाहिए? यस, बिल्कुल जाना चाहिए। कारण इसका सिंपल है, बॉडी टैग में जो भी आप लिखते हैं वो एंड यूजर के सामने शो होता है,
दैट इज मेंट फॉर द यूजर और विजिटर ऑफ द साइट. जबकि हेड टैग में जो आप लिखते हैं वो एंड यूजर के लिए नहीं होता. दैट इज ऑलवेज शोन फॉर द दैट इज ऑलवेज यूज बाय द सर्च इंजन. राइट, तो ये हुआ आपका एचटीएमएल पेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. अब याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर किसने प्रिस्क्राइब करा, ये स्ट्रक्चर किसने प्रिस्क्राइब करा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी की जगह स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा मैं आगे उसको. ये स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब करा W3C ने. इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? ब्राउजर्स. अब याद रखिएगा, ब्राउजर W3C की हर बात को नहीं मानते, ब्राउजर W3C की हर बात को नहीं मानते. तो बताइए, अगर मैं HTML हेड के बिना कोड लिखूं तो चलेगा? अगर HTML हेड के बिना HTML पेज लिखूं तो चलेगा? चल सकता है. चल सकता नहीं है बल्कि चलता है, चलता है. रीजन, मैंने बोला ब्राउजर W3C की हर बात स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, लेकिन जिस दिन करने लग गए, जिस दिन W3C और ब्राउजर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया, उस दिन गौर करिएगा, हमारा वेब पेज, हमारी वेब एप्लीकेशन सही ढंग से काम करना बंद कर देगी. इनफैक्ट ब्राउजर उसे रेंडर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कराया. इसलिए मैं बार बार एक वर्ड लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड. Why am I writing the word standard? Standard का मतलब जो prescribe W3C ने करा है. अगर आप मानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं काम तो भी होगा, लेकिन बेटर है आप उसे माने, क्योंकि नियर फ्यूचर में कभी भी इनके बीच के डिफरेंसेस खत्म हुए और ब्राउजर ने 100% सपोर्ट करना शुरू करा तो आपका वेब पेज काम करना बंद कर देगा. ठीक है, दिस इज वन थिंग. अब एक बात और मुझे बताइए, सबसे पहला टैग कौन सा होगा आपके पेज में? सबसे पहला टैग कौन सा होगा आपके पेज में? HTML. अब यहां पर एक डाउट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है और इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको HTML के ऊपर भी एक टैग दिखेगा और वो टैग होता है डॉक टाइप. राइट, आपको एक डॉक टाइप नाम का टैग भी दिखेगा. अब सवाल आता है फिर ये क्या होता है? अगर HTML का पेज HTML से शुरू हो रहा है तो आज मार्केट में HTML का 4 और 5 दोनों वर्जन काम कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, आज मार्केट में HTML 4, HTML 5 दोनों काम कर रहे हैं. इस डॉक टाइप की मदद से हम डेवलपर्स या ऑथर ब्राउजर को यह बताते हैं कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं. हम ये बताते हैं ब्राउजर को कि HTML का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं. राइट, अगर हम HTML 5 यूज कर रहे हैं तो डॉक टाइप HTML 5 के स्टाइल में लिखते हैं, और अगर हम HTML 4 यूज कर रहे हैं तो डॉक टाइप लिखा जाता है HTML 4 के स्टाइल में. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? डॉक टाइप को टैग नहीं बोलते, डॉक टाइप को टैग बोलने की गलती नहीं करिएगा. ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक कमेंट टाइप की चीज है जो ब्राउजर के लिए है, जिसे देखकर ब्राउजर ये समझता है कि उसे HTML 4 मानकर इस पेज को रेंडर करना है या HTML 5 मानकर इस पेज को रेंडर करना है. क्योंकि सोचिए, HTML 5 में कई टैग्स ऐसे हैं जो HTML 4 में सपोर्टेड नहीं होंगे, तो ब्राउजर अगर HTML 4 की तरह पेज को देखने लगेगा तो वो टैग्स को जानते हुए भी उसको सपोर्ट करना बंद कर देगा. तो हमें अपने वेब पेज में HTML के ऊपर एक एलिमेंट लगाना चाहिए, एंड दैट एलिमेंट इज डॉक टाइप. तो मैं यहां पर टेक्स्ट लिख रहा हूं, द डॉक टाइप इज नॉट अ टैग. पहली बात याद रखिएगा, नीदर मार्कअप, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन और अ मैसेज टू द ब्राउजर बाय द HTML पेज डिजाइनर दैट विच वर्जन ऑफ HTML ही इज currently using in his page. If doc type is not mentioned, क्या होगा बताइए? If doc type is not mentioned, नहीं बताएंगे doc type तो क्या होगा? तो browser randomly page को render करेगा. Browser अपने मन से कभी HTML 5, कभी HTML 4 को use करने लग जाएगा. So if doc type is not mentioned, rendering of the page might get distorted because the browser may not properly understand what kind of HTML version
which HTML version we are trying to use. Which HTML version we are trying to use. इसलिए it's always recommended कि आप doc type use करें. और अगर आप HTML5 use कर रहे हैं, ध्यान दें, if you are making use of HTML5, so the doc type is written in this way. If we are using HTML5, जो हमारा version भी होगा, then doc type should be written as doc type followed by just HTML. That's it. इतना आप लिख दीजिए तो ब्राउजर समझ जाएगा कि this is HTML5. आपको 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन कर दीजिए doc type HTML. That's enough. तो ब्राउजर समझ जाएगा कि आप HTML5 को यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से चीजों को रेंडर करना, राइट? तो अपने वेब पेज में आए अगर हम और इसमें एक लाइन और ऐड कर दें, तो बिल्कुल टॉप पे जस्ट बिफोर द वर्ड HTML वी शुड हैव वन मोर एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज डॉक टाइप फॉलोड बाय द वर्ड HTML. बताइए क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया सबको? नहीं नहीं आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं. केस सेंसिटिव है कि नहीं, अभी आता हूं मैं. ये क्लियर हुआ? अब HTML के बारे में कुछ फाइनल जरूरी बातें, वो और सुन लीजिए आप, तो आपकी सारी बेसिक थ्योरी HTML की कंप्लीट हो जाए, फिर अपन HTML के एग्जांपल्स पे पहुंचे. राइट, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट HTML. ठीक है, नंबर वन, HTML is totally non-case sensitive. Python case sensitive है? बताइए. बिल्कुल. Python is a case sensitive language, right? C is a case sensitive language. Java is a case sensitive language. But HTML is non-case sensitive. That means we can write markups in lower or upper any case. But recommendation is to use lower case. आप lower case use करें, ये अच्छा है, बाकी पसंद आपकी है, no one forces you. Number two, Python के program का जो extension है वो .py होना चाहिए. अंशुमन आएगा, ये UTF होता है, Unicode Text Format. बताऊंगा मैं आपको, ये meta tag के अंदर आता है. ठीक है, meta tag पे आऊंगा तो बताता हूं आपको UTF क्या है. फिलहाल बताइए, सो पाइथन का एक्सटेंशन .py होना चाहिए. सिमिलरली एवरी HTML पेज मस्ट हैव ईदर .html और .htm एक्सटेंशन. नहीं होगा तो क्या होगा एरर आएगी. नहीं, ब्राउजर पेज का पूरा कोड एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, यानी जो भी आपने HTML के अंदर टैग्स और मार्कअप्स लिखे हैं वो एज इट इज यूजर के सामने आ जाएंगे. तो यूजर को आउटपुट नहीं दिखेगा, रेंडर नहीं दिखेगा, सोर्स कोड दिख जाएगा जो आपने HTML में लिखा है. अदरवाइज द ब्राउजर विल डायरेक्टली डिस्प्ले द HTML सोर्स कोड एज द आउटपुट. ये गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इसको .html का एक्सटेंशन देकर सेव नहीं करा. क्लियर हुआ? इस केस में टाइटल क्या होगा? रजत में समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं रजत? थोड़ा क्लियर करिए आपका क्वेश्चन. HTML 4 के लिए doc type is very much lengthy. There are multiple doc types available, Yash, for HTML 4. There is a doc type which contains strict. There is a doc type which contains English. There are so many things जो doc type में आप लिखते हैं. HTML 4 का doc type बहुत technical, बहुत lengthy हुआ करता था. HTML 5 के doc type को बहुत simple कर दिया गया है. मैं आपको दिखा देता हूँ HTML 4 का doc type कैसा दिखता था. देखिए,
देखकर ही आपको लगेगा HTML4 कितने टिपिकल रूल्स फॉलो करती थी, इनफैक्ट करती है क्योंकि आज भी है. डॉक टाइप फॉर HTML4, चेक. HTML4 का डॉक टाइप इनफैक्ट आपकी स्लाइड्स में भी है, स्लाइड में ही देख लीजिए आप. दिस इज डॉक टाइप फॉर HTML4, यश चेक करिए. अब आप ये इतना लेंदी इतना टिपिकल डॉक टाइप हम लोग लिखते थे, राइट right? तो ये बता रहा है ये डॉक टाइप HTML4 को फॉलो कर रहा है. कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है वर्जन 4.1. EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, और जो HTML4 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बताने वाली साइट का नाम भी देना पड़ता है यहां पर. क्लियर हुआ? सच अ लेंथी डॉक टाइप यूज्ड टू बी देयर. और ये तो एक फॉर्म है, और कई तरह के डॉक टाइप HTML4 में लिखे जाते थे. ठीक, HTML5 2014 जयंत लिखा था मैंने. 2012 में इसको नॉन पब्लिकली करा गया था, पब्लिकली अवेलेबल हुआ था 2014 में. आई थिंक आई हैव मेंशन दैट. दिस इज करेक्ट, ठीक है. और अभी का लेटेस्ट अगर आप देखें तो HTML5.2 चल रहा है. एग्जैक्टली बोलू ना तो HTML 5.2 इज द लेटेस्ट, 2017 में आया है जो इस समय करंट लेटेस्ट आपको मिलेगा. बट फिर भी 5.2 5.1 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो हम मानते हैं नॉर्मली HTML 5 ही है सबको. ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो आपने ये देख लिया कोई भी HTML डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे तो उसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होंगे, नॉर्मली दो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होंगे, वन इज हेड एंड अदर वन इज बॉडी. अब बात करते हैं हेड टैग के अंदर अपन क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स कैन वी राइट इन साइड द हेड टैग, या हेड टैग अपने अंदर क्या क्या रखता है, राइट. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस चाइल्ड टैग्स, चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग. कैन एनीवन टेल कितने होते हैं चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग? सिक्स चाइल्ड टैग्स होते हैं, राइट. देर आर सिक्स चाइल्ड टैग्स, देर आर सिक्स चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग. बिल्कुल HTML का ऑल्टरनेट है. आई थिंक समवन इज आस्क्ड HTML का कोई ऑल्टरनेट होता है क्या? देवेश, देवेश HTML का ऑल्टरनेट है बट आपके लैपटॉप्स वगैरह के लिए नहीं. इट्स जनरली फॉर मोबाइल्स एंड इट्स कॉल्ड WML. Which stands for wireless markup language. Devesh, doubt dur hua? Wireless markup language. Ye hota hai. But aap agar normally end users ko cater kar rahe hain, jinke paas mobile bhi hai, laptop bhi hai, tablet bhi hai, to har jagah WML nahi chalegi. To sabke liye aapko use karna padega HTML. XML is different. XML aur HTML ek dusre ke alternates nahi hai. Bilkul nahi hai. XML data rakhne ka kaam karti hai. XML is data storage, right? HTML is data representation. XML files, they can work as storage files, जिसमें मुझे यूजर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रखनी है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स रखनी है, वो हम XML में रखेंगे. Okay? HTML में हम लोग स्टोरेज नहीं करते, HTML में हम लोग यूजर के सामने डेटा प्रेजेंट करने का कोड लिखते हैं HTML में. Okay? मैं बताऊंगा आपको XML क्या है, थोड़ा सा आप used to हो जाइए HTML के, फिर कंपैरिजन करेंगे. मार्कअप जैसे बहुत मिलेंगे. एक XHTML भी है, XHTML वो भी एक लैंग्वेज थी जो आई थी जस्ट आफ्टर HTML. चलिए, सो देयर आर सिक्स चाइल्ड टैग्स ऑफ हेड टैग. लेट मी राइट नेम्स ऑफ ऑल ऑफ देम एंड दे आर कौन कौन है. नंबर वन, बार बार बात हो ही चुकी है, टाइटल टैग. किस लिए यूज होता है? यूज टू डिस्प्ले, यूज टू डिस्प्ले पेज टाइटल, राइट. आप इसकी मदद से पेज का टाइटल देते हैं. और नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे टाइटल टैग तो क्या होगा? तो फिर अलग अलग ब्राउजर अपने अपने तरीके से आउटपुट शो करेंगे. कुछ ब्राउजर पेज का नाम शो कर देंगे, कुछ ब्राउजर जिस सर्वर पे आपकी साइट होस्टेड है उस सर्वर का URL दिखा देंगे, कुछ ब्राउजर पेज का नाम शो कर देंगे, कुछ जिस सर्वर पे साइट होस्टेड है उस सर्वर का नाम दिखा देंगे.
राइट, इसलिए टाइटल देना चाहिए यूनिफॉर्म बिहेवियर के लिए. देन वी हैव अनदर टैग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड एज बेस टैग, यूज्ड फॉर गिविंग बेस यूआरएल. अभी मत समझिएगा, मैं सब आपको फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए आप, पर्पज अभी क्लियर नहीं होगा. देन वी हैव अनदर टैग कॉल्ड स्टाइल, यूज्ड फॉर राइटिंग CSS कोड, यूज्ड फॉर राइटिंग CSS कोड विच स्टाइल्स आर पेज, विच स्टाइल्स और डेकोरेट्स आर पेज. तो आपको अपने वेब पेज में अगर CSS का इफेक्ट चाहिए तो आप मेंशन करेंगे अ टैग विच इज कॉल्ड एज स्टाइल टैग, बिल्कुल इंटरनल CSS, वेरी गुड. देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज लिंक, राइट, दिस इज यूज्ड टू लिंक एक्सटर्नल फाइल्स लाइक CSS फाइल्स टू आर पेज. मतलब HTML में CSS लाने के आपके पास दो तरीके होंगे, एक है HTML में CSS को एम्बेड कर दें, मिक्सअप कर दें, दूसरा तरीका है HTML अलग कर दें, CSS अलग कर दें. अगर CSS अलग होगी तो HTML के साथ उसे कनेक्ट करने के लिए आप जो टैग यूज करेंगे दैट टैग इज बेसिकली कॉल्ड एज लिंक टैग. सो दिस इज यूज्ड फॉर लिंकिंग अ CSS और मेनी अदर काइंड्स ऑफ फाइल्स टू आर HTML पेज. देन द फिफ्थ वन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट टैग, एनी गेसेस इससे क्या करेंगे आप? यूज्ड फॉर एम्बेडिंग JS कोड इन आवर HTML पेज. आपको अपने HTML पेज में अगर JavaScript का कोई कोड लिखना है तो वो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टैग हुज नेम इज स्क्रिप्ट टैग. फाइन, फाइनली वी हैव द लास्ट वन जो आपको साइट होस्ट करने पर ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटा टैग. बेस टैग में बताऊंगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया सारे का, मैंने अभी सिर्फ नाम लिखे हैं, मैं बिल्कुल समझाऊंगा विद एग्जांपल आपको. ओके, अभी आप सिर्फ नाम देख लीजिए. मेटा इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वेब पेज, अबाउट आवर वेब पेज टू द ब्राउजर एज वेल एज सर्च इंजन, ब्राउजर एज वेल एज सर्च इंजन. ये हैं हेड टैग के 6 चाइल्ड टैग्स. क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? राइट, अब इसका अपन को करना है प्रैक्टिकल. बट इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, बहुत जरूरी है कि आप VS कोड सेटअप करना सीख लें. मैं आपको आज VS कोड सेटअप करना सिखा रहा हूं, उसमें क्या क्या अपन को सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा लगेंगे वो बता रहा हूं. ठीक है, हाँ ये आ जाएगा पूरा, ये जो भी आज मैंने स्लाइड शेयर करी है ये पूरे आ जाएंगे आपके पास स्क्रीनशॉट्स. राइट, तो अब मैं आपको VS कोड कॉन्फिगर करना बता दूं, उसमें क्या क्या जरूरी हमें टूल्स डालने वो बता दूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से इन सारे टैग्स का हम प्रैक्टिकल डायरेक्टली कर पाए. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू VS कोड. सबसे पहली चीज, VS कोड क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडी है, इट्स अवेलेबल फॉर ऑल 3 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. तो पहली चीज है आपको VS कोड करना पड़ेगा डाउनलोड. ठीक है, अब यहां जो जो मैं बताऊंगा उसे आप नोट करते चलिएगा, राइट, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं. स्क्रीनशॉट मिलेगा जो मैं लिखता हूं उसका पूरा. ठीक, तो VS कोड के होम पेज पे आप जाइए, ऑटोमेटिकली VS कोड डिटेक्ट कर लेगा आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यूज कर रहे हैं या मैक या कौन सा. ठीक, क्लिक करना होगा आपको विंडोज वाले ऑप्शन पे, और आपको डाउनलोड वो वाला वर्जन करना होगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के हिसाब से मैच करे. जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस डाउनलोड पेज, और डाउनलोड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. राइट, एम्फेसिस अलग है, एम्फेसिस EM टैग होता है और उससे हम बोल्ड करते हैं. अंशुमन, EM इज डिफरेंट, टेम्पलेट भी चाइल्ड टैग होता है, यस, बट टेम्पलेट का रोल अलग है, वो ऐसे नहीं लिखते अपन, वो आप जैंगो में देखेंगे. ठीक है, VS कोड अराउंड 54 या 55 MB का सेटअप होगा, 54 या 55 MB के आसपास का सेटअप होगा VS कोड का. राइट,
तो इसे आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके आपने इसे इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके डेस्कटॉप पे VS कोड का शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा। दिस इज VS कोड डायरेक्टली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट ऑन योर मशीन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एज यूजुअल आप इसको लॉन्च कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा लॉन्च करते वक्त हमेशा यूज कीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये इसलिए क्योंकि आप विंडोज अगर यूज करते हैं तो विंडोज में सबको पता होगा सी ड्राइव एक प्रोटेक्टेड ड्राइव होती है और उसमें आप एक्स्ट्रा चेंजेस अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। वो कर सके उसके लिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है। तो सेलेक्ट कीजिए आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन, VS कोड आपके सामने लॉन्च हो जाएगा। राइट, ओपनिंग पेज आपको हमेशा की तरह एक वेलकम पेज दिखेगा। राइट, दिस इज योर VS कोड वेलकम पेज। ठीक है, अब पहली चीज जो आपको VS कोड में करनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स VS कोड में डाउनलोड करने हैं। और गौर करिएगा, इन एक्स्ट्रा टूल्स को हम लोग टूल्स ना बुलाकर VS कोड की वोकैबुलरी में जो नाम देते हैं, दैट इज वी कॉल देम एक्सटेंशंस। आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे VS कोड को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए। इन एक्सटेंशंस की मदद से आपको टाइपिंग में हेल्प मिलती है, आपको इंडेंटेशन अच्छा दिखता है, आइकन्स अच्छे दिखते हैं आपको अपने कोड के अंदर। ये सारी चीजें करनी है आपको। प्लस एक ऐसा भी एक्सटेंशन है जो बिना ब्राउजर ओपन करे डायरेक्टली VS कोड से आपके पेजेस को रन करवा देगा। बिल्कुल सही कहा संयम ने, दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज लाइव सर्वर। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं क्या क्या एक्सटेंशन एक्स्ट्रा चीजें आपको VS कोड के अंदर डालनी पड़ेंगी। तो ध्यान दें, वॉट आर दोज थिंग्स। VS कोड में एक्सटेंशंस जानने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो टूल दिख रहा है, इफ यू कैन ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारे शॉर्टकट्स दिख रहे होंगे। इनमें आपको एक्सटेंशन का एक शॉर्टकट नजर आएगा। नजर आ रहा है आपको एक्सटेंशन का शॉर्टकट? ये बिल्कुल लास्ट में आप जो देख रहे हैं, दैट इज द शॉर्टकट फॉर एक्सटेंशन। राइट, आपको इस शॉर्टकट को क्लिक करना है, ये वाले शॉर्टकट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, VS कोड आपसे एक्सटेंशन का नाम मांगेगा। जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, VS कोड आपसे एक्सटेंशन का नाम मांगेगा, और यहां आपको कुछ एक्सटेंशंस मेंशन करने हैं जो आप अपने VS कोड में यूज करना चाहेंगे, जो आप अपने VS कोड में यूज करना चाहेंगे। तो आप पहले VS कोड इतना डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ लोग मुझे प्राइवेटली कमेंट कर रहे हैं कुछ दिक्कत हो रही है उनके कनेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको सारे एक्सटेंशंस सिस्टम पे कॉन्फिगर करना सिखाता हूं। 10 मिनट का काम है, ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन VS कोड पहले कॉन्फिगर करेंगे एंड देन वील स्टार्ट राइटिंग द कोड। आप बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 एक्सटेंशन में आपको बताऊंगा जो आपको VS कोड में डालने हैं, जिसमें से एक एक्सटेंशन तो अभी अभी बात हुई है चैट विंडो पे, दैट इज लाइव सर्वर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। आप जैसे एक्सटेंशन में जाकर टाइप करेंगे लाइव सर्वर, आपको लाइव सर्वर का डाउनलोड दिख जाएगा, वो आपको VS कोड के अंदर कॉन्फिगर करना है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको VS कोड कॉन्फिगर करना सिखाऊंगा एंड देन वील स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल पार्ट। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।